सो प्लस टू क्लास उम्मीद है कि तुम हर्शी एंड चेज ग्रिथ्स एक्सपैरीमेंट्स ठीक है इन्होंने ध्यान के समझ लिया। सो अगे तेरे को आ जाता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए। सो डी एन ए जेनेटिक मटीरियल असं पहले पढ़ चुके हैं ठीक है। कुछ वायरसिस है जिमें कि एड्स वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस है, आर एन ए जेनेटिक मटीरियल हैगा। हिस्टरी की हैगी है कि न्यूक्लिक एसिड जरा सब तो पहला आइसोलेट किया गया 1868 है ना, एक स्विस के फिजिशियन से ठीक है, फ्राइडरिच ठीक है मिस्चर के द्वारा है ना ठीक है। सो उन्होंने की देखा पस सैल के न्यूक्लियाई ने देखा सीगा ते उन्होंने सब तो पहला जो भी उस पास सैल दे न्यूक्लियस दे अंदर देखा उन्होंने उन्होंने नाम दे दिता न्यूक्लीन। फिर क्या हुआ कि 1884 दे विच ऑस्कर हर्टविक जिहड़े सीगे सो उन्होंने कहा कि न्यूक्लीन एक वो सबसटेंस हैगा जिहड़ा कि रिस्पोंसिबल है कि हेरिडिटी करैक्टर्स का ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो तुहानू पता ही है भी जो भी जेनेटिक मटीरियल की तरह एक्ट करता डी एन ए उहदे किन्ने सारे फीचर्स तुसीं पढ़ चुके हो। उन्होंने फिर लग्या कि न्यूक्लीन जिहड़ा हैगा उहदे अंदर वो सारे करैक्टरिस्टिक्स हैगे है जिहदे करके कि वह करैक्टर्स नूं एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन दे विच लैके जा रहे हैं। इस करके उन्होंने इहनूं रीनेम कर दिता न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लीन नूं रीनेम किन्ने कीता सी आर अल्टमैन ने इन 1889 के न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिता। तो फिर बाद विच देखा कि भी दो तरह के न्यूक्लिक एसिड है वो दुनिया के उपर है डी एन ए तो आ रहे हैं। कॉर्नबर्ग जो कॉम्पिटिशन भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उन्होंने इन विट्रो के लैब के उन्होंने सिंथेसाइज किया डी एन ए सब तो पहला 1961 के लोकेशन जेडे तो प्रोकैरियोटिक सैल होंगे जिमें कि बैक्टीरिया वगैरह पता ही है तुम्हें डी एन ए सर्कुलर है साइटोप्लाजम है ठीक है। सो कि कंपोनेंट है प्रो क्रोमोजोम का है ना मतलब मेन जिहड़ा हैगा क्रोमोजोम वो तो है ही है उत्थे तो डी एन ए प्रेजेंट ही है। तो तुहानू पता कि एक्सट्रा क्रोमोजोमल डी एन ए भी प्रेजेंट हुंदा बैक्टीरिया के अंदर इन्ना असी बायोटेक्नोलॉजी वाला लैसन पढ़ लिया जिन्होंने असी प्लाज्मिड्स कहते हैं। जबकि जिहड़े यूकैरियोटिक सैल्स हैगे आ ना उन्होंने डी एन ए लीनियर है ज़्यादा करके न्यूक्लीयस के अंदर ही प्रेजेंट हुंदा न्यूक्लीयस के नाल ही कन्फिंट हुंदा मतलब कि असं कह सकते हैं कि क्रोमोजोम का ही कंपोनेंट है। इस करके इदा न्यूक्लीयस डी एन ए असं न्यूक्लीयर डी एन ए कहेंगे। थोड़ा बहुत डी एन ए जो है ठीक है ना माइटोकोंड्रिया प्लाजमिड्स ये कौन है प्लास्टिड्स वगैरह ये ऑर्गेनाइलीज है ना। सो थोड़ा बहुत डी एन ए ऑर्गेनाइलीज के अंदर भी हुंदा इस करके असं इन्हू की कह दें एक्सट्रा न्यूक्लीयर या फिर ऑर्गेनाइलीयर नीलियर डी एन ए नहीं है जो डी एन ए न्यूक्लीयस के अंदर होया मेन डी एन ए है जेनेटिक मटीरियल है मेन तो न्यूक्लीयर हो गया जिहड़ा ऑर्गेनाइलीज दे विच प्रेजेंट हैगा न्यूक्लीयस तो बाहर है इस करके एक्सट्रा न्यूक्लीयर या फिर ऑर्गेनाइली दे अंदर है इस करके ऑर्गेनीलर डी एन ए। ओके सो ये भी जिहड़ा ऑर्गेनाइलीज दे अंदर डी एन ए होंदे आ ना ये सर्कुलर होंदे प्रोकैरियोटिक डी एन ए की तरह। ओके इत्थों तक कि कुछ वायरसिस दे विच जरूरी ने सारिआं दे अंदर आर एन ए ही जेनेटिक मटीरियल होवे। मैं पहलां भी तुहानूं दस्सिआ डी एन ए भी जेनेटिक मटीरियल हुंदा। अगे आ जाओ कैमिकल कंपोजिशन है ना ठीक है। सो ये तुहाडे कोल की है शूगरस राइबोस शूगर 2-डीऑक्सी राइबोस है ना समझते हो ये शूगरस है ने एक ही है फॉस्फेट ग्रुप है ना। सो ये नाइट्रोजीनस बेसिस है एडनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन यूरासिल ठीक है। सो ये पांच तरह के नाइट्रोजीनस बेसिस है। सो नाइट्रोजीनस बेसिस जो दो मेन कैटागरीज के आ जाते हैं एक प्योरिन्स तो एक पायरीमिडिन्स। ओके ठीक है जी। सो प्योरिन्स जो है वो दो मेन प्योरिन्स है एडनिन गुआनिन ठीक है। सो ये दो मेन प्योरिन्स है ने पायरीमिडिन्स तीन है थाइमिन साइटोसिन तो यूरासिल। यूरासिल हजे तक डी एन ए नहीं आनी इनू रुको हजे ये बाद ही तुम दसागे ठीक है। सो बच्चे चार तरह के नाइट्रोजीनस बेस प्रेजेंट है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है ना डी एन ए। सो इस करके शुगर कि लगनी है डीऑक्सीराइबोस लगनी है आर एन ए राइबोस होंगी है बस यही फर्क है। इतने डीऑक्सीराइबोस शुगर आनी है डी एन ए फॉस्फेट ग्रुप तो आना ही आना है ना तो सेम ही है तो चार नाइट्रोजीनस बेसिस का बनया हुआ डी एन ए ठीक है। दो प्योरिन्स दो पायरीमिडिन्स। ओके सो देखो मैं तो इन्हों इस तरीके याद रख्या हुआ थोड़ा जहा देखो प्योरिन के स्पैलिंग छोटे ठीक है ना पर प्योरिन का स्ट्रक्चर वड्डा दो रिंग्स की बनी हुई है प्योरिन। पायरीमिडिन्स के स्पैलिंग वड्डे ठीक है ना पर स्ट्रक्चर छोटा सिंगल रिंग की बनी हुई है समझते पे हो। सो याद रखो हमेशा ही दो प्योरिन्स कि डी एन ए के स्ट्रक्चर के एडनिन गुआनिन समझते पे हो पायरीमिडिन्स कि थाइमिन साइटोसिन पर जदों बेस पेयरिंग होनी है या अगर जाके बहुत डिटेल के भी तुम आना पर मैं हमने ही दस दिन हाँ यह टॉपिक है ना। सो बजे जो भी बेस पेयरिंग होनी है ना हमेशा डी एन ए जिहड़ियां दो चेन्स बनदियां ना इदा करके हैलीकल चेन्स बनदियां उहदे बच्चे एक प्योरिन आती है एक पायरीमिडिन आती है एक प्योरिन एक पायरीमिडिन है ना। सो यदा कारण मैं तुम्हें दस देना हूँ ही ठीक है। सो ये दूसरी गल
याद रखना सब तो पहला एडनिन ते गुआनिन दो प्यूरिनस है, ठीक है जी, थाइमिन ते साइटोसिन पायरीमिडिनस है ने, ओके ठीक है। जो डीएनए का स्ट्रक्चर बनना एक प्यूरिन एक दिस पायरीमिडिन, तो पर एडनिन दे नाल हमेशा ही थाइमिन आनी है, समझते पे हो, एडनिन प्यूरिन दे नाल ठीक है हमेशा ही पायरीमिडिन केड़ी आनी है थाइमिन, गुआनिन दे नाल हमेशा ही की आना है साइटोसिन, ये फिक्स है ना, वो वक्री गल है कि एक चेन दे विच जेकर एडनिन आ रही है ठीक है दूजी दे विच थाइमिन, अगली बारी जेकर लैफ्ट साइड ते थाइमिन आ रही है दूसरी वाले पासे एडनिन, पर हमेशा ही ठीक है एडनिन प्यूरिन दे नाल ठीक है थाइमिन प्यूरिन आएगी, ठीक है पायरीमिडिन आएगी, ठीक है गुआनिन प्यूरिन दे नाल हमेशा ही साइटोसिन पायरीमिडिन आएगी, ठीक। सो कैमिकल कंपोजिशन असी देखिए, जेकर डीएनए दा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया सीगा पीए लेवनी दे द्वारा, डीएनए लार्जेस्ट बायोमोलीक्यूल हैगा, बहुत वड्डा साइज दे विच मैक्रोमोलीक्यूल हैगा, लोंग है, डबल चेन है यदि, ठीक है मैं दिखानी थानू डबल चेन जी हैगी असं उन्होंने कहते हैं डीओक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स या फिर डीओक्सी राइबोटाइड यूनिट्स, ठीक है जी, एक आदि बनिया हुई ने डीएनए दी जी दो चेन्स है ने कि यूनिट्स दियाँ बनिया हुई ने डीओक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स दियाँ, ये जड़ियाँ दो डीओक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन्स है ने अनब्रांचड है, एक दूजे के उत्ते ट्विस्टड है, एक कॉमन जहा एक्सिस हैगा है ना, तो ये राइट हैंडड डबल हैलिक्स बनाते जिन्होंने असं स्पायरल कहते हैं, ठीक है। सो मैं तुम्हें एक बार डायग्राम दिखाने लगी हाँ डीएनए की डबल हैलिकल स्ट्रक्चर, तुम फिर ज़्यादा समझ आ जाना, समझते पे हो, ठीक कमेंट जी। हाँ देखो डीएनए का स्ट्रक्चर ये 10th क्लास के भी तुम देखा हुआ है, इनू समझ लो पहला, ठीक है। सो ये डीएनए का डबल हैलीकल स्ट्रक्चर है, देखा दो हैलिक्स है ने कि वल पे हुए हैं, ठीक है डबल हैलीकल स्ट्रक्चर है, डायामीटर जोड़ा है 20 ओंगस्ट्रोंग हों, ठीक है जी 20 ओंगस्ट्रोंग है ना, ये जो पूरा एक घूम के वल आया ना, ठीक है ये कि लंबा 3.4 नैनोमीटर, ठीक है जहाँ फिर 34 ओंगस्ट्रोंग, इको यूनिट्स रखो डायामीटर ओंगस्ट्रोंग दे विच, एक पूरी पूरी जड़ा एक स्पायरल घूम के आई है, ठीक है। सो किन्नी हैगी है 34 ओंगस्ट्रोंग है ना, समझते पे हो, सो एक स्पायरल दे अंदर आ देखो आ बच्चे सारे नाइट्रोजीनस बेसिस लगे हुए है, आ लाइना नाल दिखा दिते इत्थे इदां दिखा दिते, आ देखो इहदी बैकबोन शूगर फॉसफेट शूगर फॉसफेट शूगर फॉसफेट, एक मोलीक्यूल शूगर एक फॉसफेट एक शूगर एक फॉसफेट, इदां हो गया ना, पर जिहड़े नाइट्रोजीनस बेसिस आने हैं ना वह हमेशा शूगर शूगर दे विचकार आने, फॉसफेट फ्री रहने हैं, समझते पे हो, ना नाइट्रोजीनस बेसिस आ गए, मैं कि क्या सी हाँ शूगर शूगर इन्हों के विचकार आ गए नाइट्रोजीनस बेसिस, एडनिन के नाल हमेशा थाइमेन आया, ठीक है जी। सो एडनिन ते थाइमेन है ना ये नाइट्रोजीनस बेस जोड़ा बनाते हैं, जेकर इस चेन के इधर थाइमेन आ गया तो इधर एडनिन आ गया, ओके इस साइड के उत्ते, ठीक है जी इतने साइटोसिन आ रहा तो इतने गुआनिन आ गया, इधर जेकर गुआनिन आ गया तो इधर साइटोसिन आ गया, ये गल समझ आ गई तुहानू, ए हमेशा टी टी दे नाल ए सी दे नाल हमेशा जी पेयर बनाएगी, तो जी दे नाल हमेशा सी पेयर बनाएगी, ठीक है जी। होर इंपोर्टेंट गल ए ते टी दे विचकार हमेशा ही डबल हाइड्रोजन बोंड हुंदा है, ये बच्चे डबल बोंड बनाया है हाइड्रोजन बोंड है, मैं हुण भी तुहानूं समझांदी हाँ, ठीक है जी। साइटोसिन ते गुआनिन दे विचकार हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बोंड आंदा, तीन हाइड्रोजन बोंड आंदे है, समझते पे हो, एडनिन ते थाइमिन दे विचकार दो, गुआनिन ते साइटोसिन दे विचकार तीन हाइड्रोजन बोंड बनते, इस करके डीएनए का यह पार्ट बड़ा स्ट्रोंग होएगा, समझते पे इस गल नूं, ओके अच्छा। जिहड़ियां ना शूगर ते नाइट्रोजीनस बेस हुंदे आ ना इन्हां दे विचकार आ जिहड़ा सिंगल बोंड है ये भी हुण समझो बोंड ते हैगे ना, इन्हां नूं ग्लाइकोसिडिक बोंड कहिंदे आ, गल समझदे पे हो, शूगर ते नाइट्रोजीनस बेसिस दे विचकार जिहड़ा बोंड है उहनूं असीं ग्लाइकोसिडिक बोंड कहिंदे आ, शूगर फॉसफेट इन्हां दे विचकार जिहड़ा बोंड हुंदा बच्चे असीं उहनूं फॉस्फोडाइएस्टर बोंड कहिंदे, देखो बोंड भी अलग तीन तरह के, तो ये अंदर बोंड ही आ गए, नाइट्रोजीनस बेसिस दे विचकार हाइड्रोजन बोंड, नाइट्रोजीनस बेस ते शूगर दे विचकार ग्लाइकोसिडिक बोंड, शूगर ते फॉसफेट दे विचकार फॉस्फोडाइएस्टर बोंड, गल समझ गए, ठीक है जी। सो आ हुण बच्चे जिहड़े इस तरीके दे नाल तुसीं चिन्ह दित्ते आ नाइट्रोजीनस बेसिस दीआं लड़ियां बना दित्तियां ना, ठीक है। सो आ एक जिहड़े आ स्टैंड नाइट्रोजीनस बेस दा ते जिहड़ा दूजा स्टैंड है ना उहनां दे विचकार 3.4 ओंगस्ट्रोंग दा गैप है, हुण गल समझ गए हो ना, पूरी स्पायरल दे विचकार 34 ओंगस्ट्रोंग दा गैप है, समझते पे हो, एक नाइट्रोजीनस बेस ते दूसरा नाइट्रोजीनस बेस उहनां दे विचकार 3.4 ओंगस्ट्रोंग दा गैप है, गल समझ के। सो ये डीएनए का स्ट्रक्चर हैगा, ये सारा ही बच्चे ये चीज़ इतने एक्सप्लेन की हुई है, मैं तुम्हें दस दिता डबल हैलीकल स्ट्रक्चर हैगी है, डीओक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स है सारिया है ना, ठीक है। सो
ना जड़ी हर एक जड़ी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड पूरी यूनिट है ना, ठीक है। सो उसके अंदर बच्चे तीन तरह के फिर मॉलिक्यूल आ गए ना, की आ गया, फॉस्फेट ग्रुप हमने पिछले दिखा के आई हाँ, ठीक है जी। सो पांच नंबर, पांच कार्बन वाली डीऑक्सी राइबोस शुगर, आ देखो C5 है ना, पांच कार्बन वाली डीऑक्सी राइबोस शुगर आ गई, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप आ गया, तो नाइट्रोजीनस बेस, इन्हों तिना मिला के असी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड कहने ना, तीन मिला के बन रहे हैं कौन कौन, फॉस्फेट शुगर तो नाइट्रोजीनस बेस, यही तो तीन स्ट्रक्चर है मेन डीएनए के स्ट्रक्चर के। ओके समझते पे हो, ठीक है। सो नाइट्रोजीनस जो बेस होते जी नाइट्रोजन है वो इन डीएनए बेसिक नेचर प्रोवाइड करती है। नाइट्रोजीनस बेस जोड़े है वही तुम्हें मैं दस दिता, वो नाइन मैंबर्ड भी हो सकते हैं, डबल रिंग प्योरिंस, आ प्योरिंस, आ नाइट्रोजीनस बेस प्योरिंस, ठीक है जी। डबल रिंग वाले है एडनिन तो गुआनिन है ना, छे, ठीक है, छे जी मैंबर्ड सिंगल रिंग वाले, समझते पे हो, ठीक है जी। सो छे कार्बन वाले सिंगल रिंग वाले पायरिमिडिन्स है ना, ठीक है, थाइमिन तो साइटोसिन, ठीक जी। तो दूसरा हर एक डीएनए के स्ट्रक्चर होर ध्यान दे नाल समझो, ठीक है, वो इतों की तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। ये सब कुछ बच्चे उही है जो मैं तुम्हें उधर बोल रही हूँ ना, तुम डायग्राम तो समझो। आ देखो बच्चे, ये तुम्हें एक सैगमेंट दिखा दिता डीएनए मॉलिक्यूल का, एक छोटा जहा सैगमेंट दिखा दिता। देखो बच्चे, फॉस्फेट शुगर, हाँ देखो इस तरह का स्ट्रक्चर होंगे ना शुगर का, ये फॉस्फेट ग्रुप शुगर, ठीक है जी, फिर फॉस्फेट शुगर, समझते थे विचकार की लगे हुए हैं नाइट्रोजीनस बेसिस, इतों की तुम समझ आ जाना। डीएनए के दो स्टैंड्स, ठीक है बच्चे, एक स्टैंड जोड़ा होंगे वो फाइव प्राइम एंड तो वह ओपोजिट थ्री प्राइम एंड, दूजा स्टैंड जोड़ा होंगे वो थ्री प्राइम एंड, ठीक है, तो ओपोजिट फाइव प्राइम एंड, ठीक है। सो मैं इतने तुम्हें एक बार लिख के भी दिखा दिनी हाँ। सो इस तरीके दे नाल बच्चे देखो, आ सी ना हैलीकल स्ट्रक्चर डीएनए का, आ हैलीकल स्ट्रक्चर है ना, गल समझ गए। जेकर एदा ए वाली चेन का ए एंड फाइव प्राइम है, तो यदा ही दूसरा एंड थ्री प्राइम है, यदा इधर ओपोजिट, यदा ए एंड थ्री प्राइम है, तो आ चेन इस तरह आ रही है, इदा आ रही है, समझते पे हो, यदा ए एंड की है फाइव प्राइम है, गल समझ गए तुसी, ठीक है ना। ये आ डबल हैलिक्स, डबल हैलिकल स्ट्रक्चर बन गया, समझते पे हो, यदा जेकर ए एंड फाइव प्राइम है, यदा दूसरा एंड थ्री प्राइम है। अच्छा, तो डबल हैलिकल स्ट्रक्चर के सामने वाली जी चेन हैगी है, सामने वाला एंड जेकर थ्री प्राइम है, तो नैचुरली यदा ओपोजिट एंड की है फाइव प्राइम है, इस तरीके दे नाल, ठीक है। डीएनए स्टैंड हूँ इदा क्यों है, इतने फाइव प्राइम क्यों आया, इतने थ्री प्राइम क्यों आया, इतने थ्री प्राइम क्यों आया, तो इतने फाइव प्राइम क्यों आया, मैं तुम्हें दसदी हाँ। देखो बच्चे, आए शुगर असी हूने पर पढ़ के आए हाँ कि डीएनए के स्ट्रक्चर के इस तरह मैं तुम्हें भी दिखा देनी हाँ। आ देखो बच्चे, इदा का हूँ डीएनए के स्ट्रक्चर, जो मैं सिंपल करके लिखा, शुगर फॉसफेट है ना, ठीक है, इदा बैकबोन बनी हुई है, शुगर फॉसफेट है ना, शुगर शुगर के विचकार नाइट्रोजीनस बेसिस लगे हुए हैं, ए टी, टी दे नाल ए, सी दे नाल जी, अगे जाके जी दे नाल सी आ जूगा, पर शुगर शुगर के विचकार, सो बड़ी ही स्ट्रोंोंग बैकबोन बनी हुई है शुगर फॉसफेट की बैकबोन बनी हुई है। और मैं तुहानू की समझाया, ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर के तीन मोलीक्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है, शुगर नाइट्रोजीनस बेसिस ते फॉसफेट ग्रुप, ये तिने मिलकर नाइट्रो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। हुण मैं तुहानू दसन लगी, इनू कहते एंटी पैरलर चेन्स, ठीक है जी, ये भी तुहानू टॉपिक हैगा। डीएनए दियां दो चेन्स की हुंदियां ने एक दूसरे के एंटी पैरलर, बच्चे पैरलर तो चलदियां पर उल्ट क्यों है, उल्ट इस करके है, एक चेन फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम है, एक थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम है, गल समझ गए। इदा क्यों है, हूँ देखो ये लै ली शुगर डीऑक्सी राइबो शुगर लै ली, देखो दी एक नंबर कार्बन है, ये दो नंबर है, ये तीन नंबर है, चार नंबर है, ये पांच नंबर कार्बन, ध्यान ना देखो, तो जिहड़ी शुगर दी पांच नंबर कार्बन हैगी है ना, उहदे नाल फॉसफेट ग्रुप जुड़िया होया, इस करके इस चेन दे इस एंड नूं असीं की कह दिंदे आ, कार्बन फाइव एंड ऑफ शुगर, गल समझ गए। इस तरीके दे नाल बच्चे पहला थले आ जाओ, तीन नंबर पोजिशन इतने हूँ फॉसफेट ग्रुप जुड़ गया, गल समझ गए ना, अगली फिर शुगर आ गई, क्योंकि असी पढ़िया कि डीएनए का स्ट्रक्चर की है, फॉसफेट शुगर, अगली फिर शुगर आ गई, फिर वो आ फॉसफेट इस फाइव प्राइम के नाल कार्बन के नाल जुड़िया हुआ, पर अगे जो फॉसफेट ग्रुप जुड़ना ना बचे, वो तीन नंबर कार्बन के नाल जुड़ना, इस करके एंड नूं असी की कह दिता, तीन कार्बन एंड कह दिता। इधर वाले पासे नूं हुण की करना, शुगर पुट्ठी कर देनी है, उल्टा दो इस चेन के शुगर का स्ट्रक्चर, पुट्ठा कर दो। जो बच्चे असी पुट्ठा कर दिता, तो फिर ये एक नंबर कार्बन हो गई, ये दो नंबर, ये तीन नंबर, ये चार नंबर, ये पांच नंबर कार्बन हैगी है, जो असी शुगर उल्टी कर दी, समझते पे। तो हूँ इतने बच्चे फॉसफेट ग्रुप कितने जुड़ेगा, इस तीन नंबर कार्बन के नाल जुड़ेगा, एंड दो ही रहने हैं, फाइव तो थ्री, थ्री तो फाइव,
तो इतने तीन नंबर कार्बन के नाल जुड़ गया ना, तीन नंबर कार्बन उपर आ गई तो फॉस्फेट ग्रुप इतने जुड़ गया, इतने जुड़ना दिखाया नहीं ना, हर एक चीज़ उन्हें हूँ दिखाई थोड़ी जानी, कॉमन सेंस है, ठीक है। सो इस शुगर की तीन नंबर कार्बन के नाल फॉस्फेट ग्रुप जुड़िया, इस करके ये थ्री प्राइम एंड है डी एन ए का। जो तुम थले आ गए तो हूँ इतने फॉस्फेट ग्रुप किन्ने नंबर कार्बन के नाल जुड़िया, शुगर की किन्नी नंबर कार्बन के नाल जुड़िया, पांच नंबर नाल, इस करके ये फाइव प्राइम एंड है। इस करके डी एन ए के जिहड़े दो स्टैंड होंगे है एक दूजे के एंटी पैरल होंगे है, ठीक है जी। दूसरी गल पोलैरिटी की होंगी है, इनू असी पोलैरिटी कहने फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम, थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम। सो ये डी एन ए का बहुत इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। होर इस पैरे के बच्चे तुहानू उन्हें की समझा दिता, आही सारियां गल्लां समझाइया ने, ए दे नाल टी आनी है, टी दे नाल ए आना, सी दे नाल जी आनी है, जी दे नाल सी आनी है। ए ते टी दे विचकार डबल हाइड्रोजन बोंड है, ठीक है जी। सी ते जी दे विचकार ट्रिपल हाइड्रोजन बोंड है, समझते पे हो। अगे तुहाडे कोल आ जांदी पोलैरिटी, फिर अगला टॉपिक तुहाडे कोल यही आ गया। सो जिहड़ियां पोली न्यूक्लियोटाइड चेन्स हैगियां ने पोलैरिटी शो करदियां, मीनस के डायरैक्शन, ठीक है। सो वन एंड जिहड़ा हैगा हर एक डी एन ए स्टैंड का वह फाइव प्राइम एंड एंड है, ठीक है। सो लास्ट वाली जिहड़ी डीओक्सी राइबोज यूनिट हैगी इस एंड के उत्ते है ना, ठीक है। सो उहदे कोल की है पांच नंबर पोजिशन के उत्ते कार्बन फ्री पई होएगी, है ना। जबकि जिहड़ा अदर एंड हैगा है ना वो थ्री प्राइम एंड हैगा, है ना, ठीक है। सो क्यों? क्योंकि जिहड़ी लास्ट डीओक्सी राइबोज यूनिट हैगी इस एंड के उत्ते उत्थे कार्बन नंबर तीन फ्री पई होगी। मैं तुम्हें समझा दिता यदा की मतलब है, मैं तुम्हें सारा डायग्राम तो समझा दिता। वरायटी जेकर असं देखा जाए तो चार तरह के नाइट्रोजीनस बेसिस प्रेजेंट है ना डी एन ए अंदर, ए टी जी ते सी, है ना, ठीक है। सो चार तरह के नाइट्रोजीनस बेसिस प्रेजेंट है ने, पर यह चार तरह के नाइट्रोजीनस बेसिस जड़े है, ठीक है। सो वो कई तरीके की बेस पेयरिंग जी है करके, है ना, इनफाइनाइट वैरायटी जी है डी एन ए की तैयार की जा सकती है, पर हर एक इंडिविजुअल के कोल स्पेसिफिक सीकुएंस ही होंगे ने बेस पेयर्स के डी एन ए अंदर, खास किस्म के, ये नहीं जितना का मर्जी सीकुएंस हो सकता किसी के भी अंदर नहीं, खास किस्म के ऑर्गेनिजम उन्होंने अंदर खास किस्म के ही नाइट्रोजीनस बेसिस के पेयर्स होंगे है, ठीक है ना। सो ज़्यादा करके जो मैं तुम्हें दसे, अच्छा हूँ देखो जिदा ये फ्रैगमेंट्स दिखाए तीन डिफरेंट मोलीक्यूल्स के ना, उन्हें फ्रैगमेंट्स दिखा देते हैं, आ देखो उही, ठीक है। फॉसफेट शुगर 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 के विचकार थाइमेन दे नाल एडनिन, आ देखो हाइड्रोजन बोंड, ठीक है। गुआनिन दे नाल साइटोसिन, तीन हाइड्रोजन बोंड, ये न्यूक्लियोटाइड चेन्स, ये डी एन ए दी की है न्यूक्लियोटाइड चेन्स है, समझते पे हो, ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑफ बेस पेयर्स, कॉम्पलीमेंटैरिटी ऑफ बेस पेयर्स बच्चे मैं की कहा सीगा, प्योरिनस ते पायरीमिडिनस, है ना। अच्छा हूँ कभी तुहाडे मन दे विच क्वेश्चन अराइज करे भी जिहड़ी असी ये चेन बनाई हैगी है आ जिहड़ी है एडनिन दे नाल थाइमिन, मतलब दो प्योरिनस क्यों नहीं आ सकदियां, नहीं दो प्योरिनस क्यों नहीं आ गई, जां दो पायरीमिडिनस इकट्ठियां क्यों नहीं आ गई, एक प्योरिन एक पायरीमिडिन, एक प्योरिन एक पायरीमिडिन असी क्यों लई, वो इस करके लई बच्चे कि डी एन ए का स्ट्रक्चर, ये आम क्वेश्चन पूछा जाता बच्चों को पता नहीं होंदा, डी एन ए का डायामीटर तो सिर्फ 20 ओंगस्ट्रोंग है ना, ठीक है जी। सो 20 ओंगस्ट्रोंग डायामीटर हैगा, ठीक है। सो प्योरिनस दोनों साइज़ के जिदा असी कह लिए कि जेकर जगह घट है, एक सीट बस के हैगी है छोटी है, दो मोटे बंदे इकट्ठे नहीं बह सकते, औखे होणगे उन्हां को नहीं बैठा जाएगा, एक मोटा तो एक पतला बंदा आसानी नाल बह जाएगा, समझते पे गल नूं, अच्छा ठीक है। जेकर कोई कवर है असी उस कवर दे विच पूरी फिटनेस लैके आनी है, ठीक है, तो दो पतले बंदे भी नहीं चलणगे, वो तो विच डोलते रहणगे, समझते हो, जिवें पतले बंदे ने कोई खुला कपड़ा पाया होवे तो असी कहने कि झल्ला जिहा बनिया होया, ठीक है। सो डी एन ए दा डायामीटर इदां दा हैगा कि दोनों प्योरिनस भी नहीं आ सकदियां, दोनों पायरीमिडिनस भी नहीं आ सकदियां, दोनों प्योरिन दे लई जगह तंग होएगी, दो पायरीमिडिनस दे लई जगह बहुत खुली हो जाएगी, इहदे विच उदां ही तुरियां फिरनगियां। इस करके देखो बच्चे सिमिट्री बनाउण दे लई स्ट्रक्चर नूं सही शेप देण दे लई एक प्योरिन ते एक पायरीमिडिन जिहड़ी हैगी है वह जोड़े गए, इहनू असी कहने आ कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑफ बेस पेयर्स, भी जेकर चेन दे विच एक पासे टी है दूजे पासे ए है, अगली बारी ठीक है जेकर जी बेस पेयर लै रहे हो, है ना, ठीक है। सो जी की है प्योरिनस ते पायरीमिडिन कि लै रहे हो सी साइटोसिन, समझते पे हो, अच्छा अगली चेन दे विच जेकर तुसी इत्थे सी लै रहे हो तो इत्थे जी लै रहे हो, इस तरीके दे नाल जेकर तुसी अगली चेन दे विच इधर ए लैंदे इधर तुसी टी लैनी सी, हमेशा ही ए दे नाल टी ते सी दे नाल जी आनी है, इहनू असी कहिंदे आ कॉम्प्लीमेंटैरिटी ऑफ बेस पेयर्स, है ना। ये स्पेसिफिक बेस पेयरिंग भी हैगी है, समझते पे गल नूं, ठीक है, एक दूजे के कॉम्प्लीमेंटरी है। सो इहदा मतलब कि जेकर तुहानूं चेन दे विच, ठीक है, एक तुहानूं नाइट्रोजनस बेस का पता ना, दूसरा तुहानूं अपने आप ही पता लग जाना,
गल समझ आ गई, अगे भी तुहाडे कोल उही आ गई बेस पेयर, सारे उही टॉपिक है, बार बार बेस पेयरिंग दिखाई है। एंटी पैरलर डायरेक्शन मैं तुहानू एक्सप्लेन कर ही दित्ती, दोनों चेन्स जिहड़ियां एक दूजे के ओपोजिट एंटी पैरलर रन करदियां हैगियां ने, है ना। ठीक है जी, सो 5' to 3' डायरैक्शन जिहड़ी हैगी है मन्नी जांदी, टू चेन्स जिहड़ियां पैरलर है पर उन्हां दी डायरैक्शन की है 5' to 3', 3' to 5'। चार गफ्स रूल अगे तुहाडे कोल आ गया बच्चे, 1950 के चार गफ्स जिहड़े सीगे ना उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर की एक जनरलाइजेशन दी सी, इन असं चार गफ्स रूल कहते हैं, है ना। ठीक है, सो की कहें बच्चे ये पॉइंट्स की है, प्यूरिन्स के पायरीमेटिन्स हमेशा ही ईक्ुअल होंगे नंबर के, है ना, ए प्लस जी नहीं, ठीक है, इजकल टू टी प्लस सी। जिन्या पायरीमेटिन्स का नंबर होएगा उन्निया ही प्यूर, जिन्ना प्यूरिन्स का नंबर होएगा उन्ना ही पायरीमेटिन्स का होएगा, समझते पे हो। ठीक है, जिन्या ए तो जी होनगियां उन्निया ही टी तो सी होनगियां नंबर तो। एडनिन जी हैगी है, हमेशा ही अमाउंट कितने बराबर होएगी थाइमिन दे, ठीक है, क्योंकि एडनिन ने हमेशा थाइमिन दे नाल बेस बनाना। ठीक है, सो इस करके एडन एक असी की क्या, जिन्निया प्यूरिन्स उन्निया पायरीमेटिन्स, हूँ असं कह लगे हाँ जिनी एक, ठीक है, प्यूरिन उन्नी ही दूजी पायरीमेटिन, भी जेकर जिन्हें ए उन्निया ही टी, जिन्निया जी उन्निया ही सी, ए इजिकल टू टी, जी इजिकल टू सी। तीसरा पॉइंट, हाँ दूसरी गल, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ तुम्हें पंजाब बोर्ड के पिछले साल भी आया सी, मैं भी पता नहीं पेपर च पाया सी कि नहीं सी पाया, पर यह क्वेश्चन तुम्हें आया सी रेशो कढ़न के लिए तुम्हें कहा सी। ठीक है, सो ए प्लस टी है ना कहता, पर यह मतलब ये नहीं है कि ए प्लस टी जे है जरूरी नहीं है कि वह जी प्लस सी के बराबर हो गए, है ना। ह्यूमन डीएनए के 30.9% है, टी 29.4% है, जी 19.9% है, तो सी 19.8%, 1-2% का फर्क हो सकता। तीसरा पॉइंट, रेशो जी होएगी बेस पेयरिंग की, ए प्लस टी ओवर जी प्लस सी, ए वेरी करती रहती है एक स्पीसीज तो दूसरी स्पीसीज़ के लिए, पर एक गिवन स्पीसीज़ से कॉन्सटेंट होएगी रेशो जी हैगी है ना। सो ए रेशो तो भी असी डीएनए का सोर्स पता कर सकते हैं। ठीक है, सो क्लासीफिकेशन से हैल्प मिलेगी, जिहड़ियां डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो फोस्फेट कंपोनेंट है, ये भी हमेशा डीएनए के इक्वल प्रपोर्शन के होंगे है, समझते पे हो, शुगर फोस्फेट शुगर फोस्फेट। नाउ डीनैचुरेशन तो रीनैचुरेशन बच्चे, डीनैचुरेशन का मतलब कि जेकर डीएनए को बहुत ज़्यादा हाई टैंपरेचर उत्ते असं जेकर गर्म करिए दोनों स्टैंड जे एक दूसरे तो सैपरेट हो जाते हैं, हाइड्रोजन बोन जोड़े विचकारों की टुट जाते हैं, यू असं कहने डीनैचुरेशन या फिर मेल्टिंग कहते हैं। जो फिर डीनैचुरेटेड किए हुए डीएनए फिर तो दोबारा लो टैंपरेचर के उत्ते इनक्यूबेट किया जाता तो दोनों सैपरेटेड स्टैंड एक दूजे फिर तो दोबारा जुड़ जाते हैं तो डीएनए की डबल हैलिक्स बन जाती है, इनू असं कहने रीनैचुरेशन। नाउ बच्चे तुहाडे कोल आ गया एब्जॉर्बेंस, ठीक है, सो जिहड़ा तैनूं पता ही है कोई भी चीज़ जेकर इंटैक्ट पई हुई है जुड़ी हुई पई है तो कुछ भी कंडक्ट नहीं कर सकती। सो डीएनए जिहड़े हैगे जो जेकर तां इंटैक्ट है तो फिर बहुत घट लाइट एनर्जी नूं अबजॉर्ब करनगे ना, क्योंकि उन्होंने बेसिस बहुत ज़्यादा पैक्ड है, डीनैचुरेटेड होया पाया डीएनए जिदे च डीएनए दे दो स्टैंड सैपरेट हो जाते हैं वह लाइट नूं अबजॉर्ब कर पाएंगे क्योंकि बेसिस जिहड़े ओपन हो गए एक्सपोज हो गए हैं। ठीक है ना, सो इस करके जिहड़ी लाइट अबजॉर्बेंस हुंदी है उसे हाइपर क्रोमैटिक शिफ्ट भी कहते हैं। अगे तुहाडे कोल आ गई ऑप्टिकल रोटेशन बच्चे, डीओक्सी डैक्सट्रो रोटेटरी मतलब कि पोलराइज्ड लाइट जिहड़ी हैगी है ना डीएनए उहनू किस तरफ मोड़ दिंदा, जदों तुसीं डीएनए दे उत्ते लाइट पाते हो तो लाइट की रोटेशन किधर नूं हो जाती है, राइट साइड नूं। ठीक है, सो इहनू कहिंदे डैक्सट्रो रोटेटरी, इत्थे तक सुनो